सुन गेम असाइन वॉचिंग चैनल क्लूस्टा गेम। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम एक बार फिर चेंज हो गया है। ओ भाई मारो मुझे मारो से क्लूस्टा गेम। तो भाई हाँ, मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि भाई कितनी बार चेंज कर रहे हैं, लोगो वगैरह सब चेंज कर रहा हूँ मैं। तो हाँ यार, ये लास्ट टाइम था एंड अब से हमारा कंटेंट भी चेंज हुआ, जिसके हमारा कंटेंट होगा गेमिंग। तो इसमें आएंगे गेमिंग से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि माइनक्राफ्ट एडिशन प्ले गेम प्ले, साथ ही साथ मिनी मलेशिया का गेम प्ले आएगा, और साथ ही साथ हमारा कौन सा गेम था GTA San Andreas का आएगा, और अदर गेम्स के भी गेम प्ले आते रहेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा गेम प्ले चाहिए, मैं उस गेम पे वीडियो बनाऊंगा। तो यार, तो माइनक्राफ्ट की कुछ गेम प्ले आप देख रहे होंगे पीछे बैकवर्ड में चल रहा है। मैं भी वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक ठीक से वर्क नहीं किया। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मोबिजिंग ऐप ठीक से वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग क्रैश हो रही है और अभी तो वॉइस ही क्रैश हो गई। तो मैंने सोचा भाई रिटर्न वीडियो नहीं बनाऊँगा, उसी पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए यार सॉरी। एंड हम लोग बात करने वाले थे आज कि भाई कितनी बार चेंज करने वाला हूँ मैं, ये लास्ट टाइम थे, अभी से मैं चेंज नहीं करूँगा, यही कंटेंट रखूँगा। तो क्लूस्टा गेमिंग मुझे कैसे सुझा है वो भी बताया था। तो यार ब्लैक लू नाम का एक यूट्यूबर है, ब्लैक लू गेमिंग मेरे फेवरेट है, तो उनके ही नाम से मुझे ये नाम सोचा, जैसे कि ब्लैक लू गेमिंग, क्लू स्टार गेमिंग, तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलर लग रहा होगा। तो माइनक्राफ्ट की वीडियो यहाँ पे मेन है एंड कल से आ जाएंगे, जैसे कि episode 1 episode 2। तो मुझे हमारे माइनक्राफ्ट गेम के वर्ल्ड के नाम आप सजेस्ट कीजिए, जैसे कि सर्वाइवर, सोलो सर्वाइवर, ये तो भाई बहुत लोग यूज़ करते हैं। आप कुछ ऐसा हटके सजेस्ट कीजिए, मैं वो रखूँगा। एंड आपको तो पता ही होगा माइनक्राफ्ट एक सर्वाइवल गेम है एंड ओपन वर्ल्ड गेम है, और इसे डेवलप किया है मोजैंग नाम की एक कंपनी ने। और माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन लॉन्च हुआ था 2011 को, और 2009 को लॉन्च हुआ था माइनक्राफ्ट PC एडिशन, यानी कि जावा एडिशन। तो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को बेडरॉक एडिशन भी कहा जाता है। एंड माइनक्राफ्ट जैसा गेम भाई बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये डब्बा वाला गेम है, क्या खेल के फ़ायदा। और जब आप खुद खेलोगे ना, तब आप बोलोगे भाई क्या गेम है यार, खेलना बंद नहीं कर सकते। इसमें आप अपने घर बना सकते हो, आपको लग रहा है कि भाई ऐसे घटिया ग्राफिक में, तो भाई देखो माइनक्राफ्ट अगर आप PC में खेलोगे ना, तो उसमें रे ट्रेसिंग आ चुका है, रे ट्रेसिंग है ना, जिससे आपको माइनक्राफ्ट का ग्राफिक इतना हाई हो जाएगा ना, आप बोलोगे भाई क्या। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ठीक है ग्राफिक तो ठीक है, बट ये डब्बे डब्बे। तो यार ऐसे मोड आ चुका है जिसमें माइनक्राफ्ट नो स्क्वायर ओनली सर्कल, ये वाला भी एक मोड आया है, तो मैं उसे भी प्ले करूँगा जल्द ही। एंड माइनक्राफ्ट में ऐसे ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो ना, पूछो मत, सिर्फ आप वीडियो देखते रहना, इंक्रीज सपोर्ट मी एंड भाई। और तो यार देख सकते हो आप कि कैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा था ना गाइस वापस नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि यार एक्सप्लेनेशन अलग हो रही थी माइनक्राफ्ट के गेम में, बट अभी मैं वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ, तो मॉडिजिंग की जगह दूसरा ऐप मैं इंस्टॉल करूँगा। एंड मुझे वो भी सजेस्ट कीजिए कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर इज बेटर फॉर मी, भाई पता नहीं क्या हो रहा था, मेरी वॉइस क्रैश हो गई पता नहीं क्यों। पिछली बार एक बार मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरा वीडियो क्रैश हो गया और वॉइस भी क्रैश हो गई, इस बार तो मेरी वॉइस क्रैश हो गई वीडियो बच गया, तो वो सही है। तो यार ये मुझे पता है मेरा सबसे बड़ा वीडियो है, क्योंकि यार ये कितने 3-4 मिनट नहीं 5-6 मिनट का आई मीन होगा ये वीडियो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि माइनक्राफ्ट में है ना, आप लोग कभी भी है ना आयरन गोलम से पंगा ना लो। हाँ अगर वो आपने बनाया हुआ आयरन गोलम है तो आप पंगा लो, वो आपको कुछ नहीं करेगा, बट अगर वो विलेजर्स का है ना, तो आप अगर विलेजर को टच भी करोगे ना, वो आपको बहुत ज़ोर से मारेगा। तो वीडियो के एंड में मैं आपको करके दिखाऊँगा। एंड यार यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स आपको मिल जाते हैं, वो देखो एक विलेजर है वहाँ पर खड़ा है। एंड यहाँ पर देख ही सकते हो कितना मस्त गेम है यार, एंड बहुत स्मूथली वर्क करता है, एंड मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है। एंड यहाँ पर आपको काउस मिल जाते हैं, पिगीज मिल जाते हैं, एंड विलेजर्स मिल जाते हैं, बहुत कुछ। एंड अभी तो नए नए अपडेट आए, बहुत कुछ आया माइनक्राफ्ट में नया, एंड आप देख ही सकते हो कितना मस्त बनाया है विलेज। तो ये विलेज मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी डेवलप होता है एक न्यू वर्ल्ड में, तो न्यू वर्ल्ड में आपको बहुत सारे विलेजेस मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव कैरेक्टर से, यानी कि जो हमारे साइड है वो हमें कुछ नहीं करते, वैसे ही बहुत सारे मॉब्स है जो हम पे अटैक करते हैं, बेसिकली सबका फेवरेट क्रीपर
क्रीपर पर बहुत वीडियो बन चुके हैं, एंड क्रीपर जब फुटता है ना तो हम लोगों को मार ही देता है, जिसका लक होता है वो बच जाता है, बाकी सब मर जाते हैं। क्रीपर हमेशा हमारे सामने से फट जाता है, तो उससे आई मीन 6 या 7 ब्लॉक दूर, 3-4-5 ब्लॉक आपको दूर रहना पड़ता है, तभी आप जिंदा बच पाते हो। एंड आप देख सकते हो गेम में आप मैं कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। एंड मुझे पता है अगर आप नए होंगे तो आपको परफॉर्म करने में बहुत ही दिक्कत होगी, पर मेरी माने तो पॉकेट मतलब ना सेटिंग में जाके मैं कल दिखा दूंगा आपको कि ना पॉकेट वर्जन में ना खेले, क्लासिक में जाके खेले, क्योंकि क्लासिक में आप वो कर सकते जो आप पॉकेट में नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्लासिक में खेलता हूँ। अगर आप पॉकेट में खेल रहे हो आपको कैसे पता चलेगा, जबकि हार्ट और हंगर बार है ना वो 2 कोनों में होंगे, इस एक कोने में होगा हार्ट और दूसरे में होगा हंगर बार, ठीक है। तो यार आप देख ही सकते हो कितने मस्त तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इसके लिए आई बटन पे एक वीडियो आ जाएगा, उस पे आपको मिल जाएगी, एक वीडियो आएगा ना उसके अंदर जाना है आपको, फिर आई बटन पे क्लिक, मतलब आई बटन के ऊपर एक वीडियो आएगा उस पे क्लिक करना है, उसे ओपन करना है, उसे लाइक करना है, पूरा देख लेना है एक बार। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एंड वहाँ पर आपको वो लिंक देख जाएगी, उस पर क्लिक करना है एंड आप डाउनलोड पेज पे आ जाओगे, एंड आपको बहुत सारे वर्जन मिल जाते हैं। एंड देखो अभी मैं आयरन गोलम को छेड़ता हूँ। ओ भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।